इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच खेला जा रहा है। इंडिया ने वेस्ट इंडीज को ऑल आउट कर लिया और उसके बाद फिर बैटिंग ले ली, और जब इंडिया की बल्लेबाजी करने की बारी आई तो रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने क्या धुआंधार बल्लेबाजी करी है। ऐसा लग रहा था कि वो बेसबॉल की स्ट्रेटजी पर उतर आए हैं, जैसे कि इंग्लैंड फॉलो करती है बेसबॉल की स्ट्रेटजी, वैसे ही बिल्कुल रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल भी इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए बैटिंग कर रहे थे, क्योंकि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो लोग टेस्ट क्रिकेट की बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम T20 देख रहे थे, जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे थे वो लोग। रोहित शर्मा ने 57 रनों की शानदार पारी खेली और उसके बाद से फिर उनका विकेट जरूर गया, लेकिन अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हैं। चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि रोहित शर्मा ने कौन कौन से रिकॉर्ड्स बनाए। रोहित शर्मा टेस्ट फॉर्मेट में लगातार 30 बार डबल डिजिट स्कोर बनाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। रोहित ने लगातार सबसे ज्यादा डबल डिजिट स्कोर बनाने के मामले में पूर्व श्रीलंकाई खिलाड़ी महिला जयवर्धने को पीछे छोड़ दिया है। जयवर्धने ने टेस्ट में लगातार 29 बार ये कमाल किया था, लेकिन रोहित 30 बार डबल डिजिट स्कोर बनाकर पहले नंबर पर पहुंच गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि भारत की दूसरी पारी में रोहित और यशस्वी जायसवाल ने एक खास रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। यशस्वी रोहित की जोड़ी ने बतौर ओपनर भारतीय टेस्ट इतिहास में सबसे तेज 50 रनों की साझेदारी निभाई। रोहित यशस्वी ने 35 गेंदों में 50 रन बना लिए थे। रोहित शर्मा के इस विस्फोटक बल्लेबाजी को टेस्ट फॉर्मेट में देख के रोहित शर्मा के फैंस होंगे बहुत ही ज्यादा खुश हो गए होंगे, क्योंकि देखा जाए तो रोहित शर्मा बहुत टाइम से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे। उनकी जो लास्ट टेस्ट सेंचुरी थी वो भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो 2023 में खेली गई थी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, उसके पहले टेस्ट मैच में आई थी। हालांकि उसमें रोहित शर्मा का लय कहीं खो गया था उसके बाद से, क्योंकि IPL में अगर देखा जाए तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा बेकार थी, बिल्कुल भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। और MI की परफॉर्मेंस बेकार थी स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में फिर MI ने थोड़ा सा रिडेम्पशन कर लिया था अपनी टीम को। लेकिन आपको बता दें कि रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि रोहित शर्मा जो है वो अपने फॉर्म में वापस आ चुके हैं। क्योंकि WTC की बात की जाए तो उसमें रोहित शर्मा कुछ खास नॉक नहीं खेला, लेकिन इंडिया और वेस्ट इंडीज की सीरीज की बात की जाए तो पहले इनिंग में रोहित शर्मा ने सेंचुरी लगाई थी, उसके बाद से फिर 80 रनों की पारी खेली और अब वो 57 रन्स की पारी खेलकर एक शानदार पारी कह सकते हैं खेल कर गए हैं। मतलब जब जब उन्हें बल्लेबाजी का मौका मिला तब तब उन्होंने कैप्टेंसी नॉक खेली है। बाकी रोहित शर्मा आपके कितने ज्यादा फेवरेट क्रिकेटर है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और साथ ही साथ फैन स्पोर्ट्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।